आईसीटी मुंबई रासायनिक विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी संस्थानों में से एक है। ये भारतवर्ष के संस्थानों और विश्वविद्यालयों में पहले तीन पायदान में शामिल है और इसका केमिकल टेक्नोलॉजी रिसर्च के क्षेत्र में 84 वर्षों का उत्तम इतिहास है। इतना ही नहीं, इस संस्थान ने 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण, 8 पद्मश्री और 2 FRS इंजीनियर्स दिए हैं। 500 से भी ज्यादा उद्यमी अरबों रुपए के धन का योगदान राष्ट्र कोष में कर रहे हैं। केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर, टेक्सटाइल्स, मटेरियल्स, फूड और फार्मास्यूटिकल उद्योगों के क्षेत्र में आईसीटी मुंबई अन्य नामी संस्थानों की तुलना में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। भारत सरकार के तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आने वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने प्रदेश की राजधानी में एक प्रतिष्ठित संस्थान शुरू करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए साल 2017 में हुए पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव में MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। आईसीटी मुंबई का इंडियन ऑयल ओडिशा परिसर पेट्रोकेमिकल इकोसिस्टम के विकास में एक उत्प्रेरक के तौर पर काम करेगा, जो पूर्वी क्षेत्र में निवेश और उद्यमियों को आकर्षित करेगा। ये स्थानीय स्तर पर कौशल विकास के जरिए रोजगार सृजन की संभावनाओं को बढ़ाने में भी मदद करेगा। IOCL और ICT मुंबई के बीच नवंबर 2017 में हुए एक समझौते के अनुसार ये दोनों उड़ीसा में नई खोज और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगे। हालांकि आपसी समन्वय के लिए अनुसंधान और परामर्श परियोजनाओं के संदर्भ में ICT एक संस्थान के तौर पर काम करेगा। असल में ICT अपने अनुभव को पूर्वी भारत में पेट्रोकेमिकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के विकास के लिए आगे बढ़ाएगा। इसी के साथ IOCL और ICT केमिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में छात्रों और शिक्षाविदों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए साझा प्रयास करेंगे, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दीर्घकालिक आजीविका प्रशिक्षण कौशल विकास प्रशिक्षण से जोड़ा जा सके। समझौते के तहत ICT IOCL 100 करोड़ के शुरुआती निवेश के साथ भुवनेश्वर के IIT खड़गपुर की मौजूदा शाखा में अस्थायी परिसर स्थापित कर रहे हैं। ये परिसर केमिकल टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेटेड MTech प्रोग्राम और कामकाजी पेशेवरों के लिए एग्जीक्यूटिव MTech प्रोग्राम शामिल करेगा। हालांकि बाद में इस संस्थान की महत्वाकांक्षा बड़े पैमाने पर निवेश के साथ सर्वश्रेष्ठ स्थायी कैंप्स बनाने की है, जो केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, पॉलीमर, फार्मास्यूटिकल्स और ऊर्जा के अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता के केंद्रों से सुसज्जित होगा। रासायनिक प्रौद्योगिक संस्थान ICT इंडियन केमिकल टेक्नोलॉजी, शिक्षित युवा भारत की ओर।